दुमका में प्राकृतिक के मनोरम दृश्य के बीच संताल परगना का गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास वाला सुप्रसिद्ध राजकीय जनजातीय हिचला मेला महोत्सव शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन हिचला गांव के एक ग्राम प्रधान ने किया। उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। राजकीय जनजातीय हिचला मेले का आयोजन 16 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा। मेले के उद्घाटन के मौके पर आदिवासी युवकों के बांसुरी के मधुर तान, ढोल और मांदर की थाप पर थिरकती आदिवासी महिलाओं के नृत्य और संगीत को मौजूदा लोगों ने यहाँ की लोक संस्कृति और लोकगीत को काफी करीब से महसूस किया। वहीं पारंपरिक अंदाज में सिंगा और सकवा वादन, झिंझरी गायन, पायका नृत्य और स्कूली बच्चों द्वारा पेश सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिचला मेले के जनजातीय पहचान को कायम रखा। मेले के उद्घाटन के मौके पर दुमका के ग्राम प्रधान, उपायुक्त के साथ साथ प्रशासन के कई आला अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हिजला मेले में इस बार भी इसकी परंपरा को कायम रखते हुए आधुनिकता से भी समावेश का प्रयास किया गया है। यहां तमाम सरकारी विभागों के प्रदर्शनी लगाए गए हैं, तो वहीं लोगों के मनोरंजन का भी खासा ख्याल रखा गया है। किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संताल परगना के जनजातीय समुदायों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से करीब 134 साल पहले शुरू हुई ये मेला मनोरंजन और हाट बाजार के साथ एकता व सद्भाव का भी प्रतीक है और 8 दिनों तक ये अपने पूरे शबाब पर होता है। ये हिजला मेला 134 साल होने चला है और यहाँ आदिवासी को जगाने के लिए बहुत तरह की यहाँ योजनाएं चल रही है, लगा रही है और इस मेला से हम आदिवासी समाज जनजाति का धरोहर है इस मेला में। इस मेले से हम लोग को बहुत सीखने को मिलता है, इसलिए इस मेले का हर साल हम लोग उल्लास के साथ मनाते हैं। इस मेले में जैसे आपके सभी लोगों को और हमारा जिला का सभी लोगों को इस मेला का साथ दे रहे और मेला में हम लोग सरकार की तरफ से जितना सब सुविधा का हम लोग इंतजाम किए हैं, हम सभी से अनुरोध करता है कि किस तरफ का झगड़ा, किस तरफ का छेड़खानी बच्चों के साथ नहीं करना है और पर्याप्त संख्या में हम लोग पुलिस और मजिस्ट्रेट को उपस्थित हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब इस मेला में शांतिपूर्ण ढंग से करें और सभी लोगों को मेरा पुनः जोड़ा। थैंक यू। आदिवासी जोड़ माने इसको जोड़ के रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हमने जैसे कहा कि हर साल कुछ नया नया देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत से आदिवासी नन आदिवासी दोनों रहते हैं। इसमें सबको एक कल्चर, किस तरह से आदिवासी कल्चर बनता है, रहता है, लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से आनंद मनाते हैं, अपने पारंपरिक सामग्रियों के साथ आकर के किस तरह से नाचना गाना एवं एंजॉय करते हैं। आदिवासी ही इस तरह का समाज है जिसके खून में एक खुशी हमेशा रहती है, चाहे कितनी भी परिस्थिति दुख का परिस्थिति रहे, हमेशा देखिएगा जरा सा मांदर ढोल का बाजा अगर सुनाई पड़ा उन लोग नाचने के लिए निकल जाते हैं, कुछ इस तरह खूबी है। क्या संदेश देंगे 2000? मैं संदेश तो मैं यही देना चाहूंगी, ये जो मेला के जरिए बहुत कुछ हमको देखने को मिलता है और हम यही कहेंगे आदिवासियों को कि इस मेला में जो आपने जो देखा और जो सीखा उसके साथ ही अपना जीवन यापन के लिए और से नन आदिवासी या समाज के और लोगों से हम कुछ और भी हम कुछ ले सके जिससे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हम हो सके। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम हमारी कुरीति है, जैसे हमारे यहाँ शराब जो हमारे आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा हमारे लिए बाधा है, उस सबको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहित करें सब। सोरेन है और लंदन में 60 साल से रह रहे हैं, फिर भी हम आप लोगों को भुला नहीं पाए हैं, यहाँ के रीति रिवाज को नहीं भुला पाए हैं, हमेशा आते हैं, खास करके हिजला मेला के टाइम में। हिजला मेला का शुरुआत अंग्रेज के ज़माने में हुआ था, जब संथाल हुल हुआ था
तो संथाल हुल में संथाल लोगों को तो हरा दिया अंग्रेज, लेकिन फिर भी अंग्रेज को समझ में आया कि ये लोग खुश नहीं है। तो हुल के बाद यहाँ एक बड़का पेड़ था जी बरगद करके, उसके नीचे मीटिंग करता था लोगों को समझाने के लिए, और उससे समझाते समझाते समझाए लोगों को कुछ शांति हुआ, और उसी को चालू रखने के लिए बाद में संथाल लोग यहाँ मेला के तरह हर एक साल जमा होना शुरू किया। और ये जो काम के कलस्टार साहब जो है डीसी थे उनके टाइम में शुरू हुआ था, और खुशी की बात है कि इतना दिन के बाद भी थोड़ा सा बदलाव आया है, चालू है। उस समय खाली संथाल ही का मेला था, सामाजिक मेला था, लड़का लड़कियों का आते थे, नाच गान करते थे, मजा करते थे, चले जाते थे, लेकिन फिर भी अभी तक चालू है। थोड़ा सा बदलाव आया है समय के हिसाब से कि अब जो है थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया, दुकान वगैरह है, वगैरह वगैरह चीज़ है, तमाशा का भी चीज़ है, सब तरह का है, लेकिन फिर भी जो उसका असल ये था कि संथाल का कल्चर और हेरिटेज को बचा के रखें, उसके लिए अभी भी है। भले दूसरे तरह से आप सरकार की तरह से उसको ऑर्गेनाइज करके कंपटीशन वगैरह लगा करके कुछ प्रोत्साहित शासन ये करते हैं, इनक्रेज करते हैं कि चालू रखिए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन दुख की बात है हम जो आते जाते हैं। स्ट्रीट बस के लिए दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।